रोतम जी हमारे जो लोकल हैं यहाँ पे, उन्होंने हमें इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके मुझे। वो ऊपर वाला मंदिर बता रही है वो टॉप पे वहां तो कल ही पहुंचेंगे हम। मेरी सास से बोल रही है यहाँ पे चलते चलते कोई फंक्शन है वहाँ पे, कोई मतलब देवता का कोई जो है त्योहार कुछ मनाया जाता है, हम वहाँ जा रहे हैं। आइए देखते हैं वहाँ पे कैसा रहने वाला दिन। आइए चल, आज हमारे साथ जो है मेरे मामा जी भी जाने वाले हैं, वो चंडीगढ़ से आए हुए हैं और उनकी फ्रेंड भी है, उनको जाते वक्त अभी हम रास्ते से पिक करेंगे। ये है बंजार का बस स्टैंड और वो देखिए सामने से आ रहे हैं मामा जी। गुड मॉर्निंग। ऐसा लग रहा है वैली के बिल्कुल टॉप में आ गए और सामने आपको टॉप की जितनी वैली है सामने नजर आ रही है। तो गाइज ये देखिए हम पहुंच गए हैं यहाँ पे पिकड़ी के टॉप पे और यहाँ पे ये रोड एंड है। अब हमें यहाँ से आगे जो है पैदल जाना होगा। हमने यहाँ पे लगा दी अपनी गाड़ी, ये पेखड़ी है, पेखड़ी देखिए 0 किलोमीटर, इसके आगे कहीं रास्ता नहीं है। देखते हैं हमें कहाँ पैदल जाना है। वो ऊपर वाला मंदिर बता रही है वो टॉप पे वहाँ तो कल ही पहुंचेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे पहाड़ों में जहाँ गाड़ी जाने का रास्ता नहीं होता है वहाँ पे ऐसे जो है सामान ढोया जाता है ऊपर। वो देखिए भाई साहब, हमें लगा था वो धीरे चलने की, वो सबसे आगे जा रहे हैं। पेड़ बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी हमें इससे भी ऊपर जाना है। अरे ये भी बहुत प्यारा गांव है, बिल्कुल सबके लकड़ी कर रहे हैं यहाँ पे भी, इतनी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे, सिलेंडर भी ऐसे रख के रख आने पड़ते हैं। ये तो अभी ऐसा शुरू हुआ है, हमें जाना है वो सामने एक जो, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पुराने घर, ये रास्ता है टॉप पे, देखिए यहाँ पे मतलब ऐसी जगह घर हो मतलब मजा आ जाए। रास्ता तो ये बहुत खूबसूरत है पर रास्ते खूबसूरती के साथ साथ टिपिकल भी बहुत है, बहुत लवली प्लेस, मजा आ गया यहाँ पे आके ना। रिग्रेट नहीं है मतलब चढ़ना पड़ रहा है इतना। देखिए ये मेरे मामा जी के मित्र हैं नरोत्तम जी, जो हमें लेने आए हैं, ये घर है यहाँ पे। ये देखिए मैं मिला उनसे पहले भी। अच्छा नमस्कार सर, नमस्कार जी, पहले मिला हूँ आपसे मैं। अच्छा हम तो मिले हैं और ठीक ठाक, बढ़िया। और क्या क्या कर रहे हैं? बस सर यहीं पे बस चुके हैं हम, मैं बीच में आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया मेरा तो। हाँ उसके बाद मिले नहीं, मैं भी रिटायर हो गया। हाँ जी हाँ जी, तो बस फिर सारा थोड़ा कम्युनिकेशन गैप। कोई नहीं सर, अब आज मिल गया, अब दोबारा चलो प्लीज। हाँ जी ठीक है। सर गवर्नमेंट ऑफिसर थे और उन्हें काफी जिंदगी अपनी मतलब यहीं से पैदल जाते थे सर, पैदल जाते थे ऊपर तभी सर इतने फिट हैं। कितनी एज है सर आपकी? मेरी अभी जी 59 और 59 60 रनिंग। आपने हम सबको फेल कर रखा है। मामा जी की सांसें फूल रही है। आजी आजी अभी तो मैं और ऐसे यहाँ से भी कोई 3 किलोमीटर आगे से और थोड़ा पैदल इधर पहुँचा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। मामा जी उम्र के हिसाब से स्लो चल रहे हो आप। पर रास्ता खूबसूरत है सर ये ना।
ये सर जी यहाँ पे भी लोग रहते हैं ऊपर ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ ओ देखो ऊपर कहाँ टॉप पे जाके चल रहे हैं अच्छा यहाँ पे आते हैं अगर जैसे इनके घर नीचे नहीं है वैसे ना हाँ जी हाँ जी हाँ ये बकरे चराते हैं लोग ना चारा भाई ये ऐसे ऊंची ऊंची हाइटों पे जाते हैं एक बार मेरा मन नैन के साथ जाने का ऊपर हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है सर चलेंगे एक दिन हाँ टफ लाइफ होती बहुत इनकी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बस ये धीरे धीरे आगे टूरिज्म के लेके जो मतलब आगे बढ़ेगा मामला धीरे धीरे ये सारे सेब के पेड़ हैं ये भी ना कलम कर दिया अब इनपे पत्ते आने चालू हो जाएंगे नगराड़ी नाला बोलते से अच्छा हाँ ये प्यारे गांव हूँ ऊपर ना रास्ता कितना व्यवस्थित है उनके कितने एक्सपीरियंस इंसान है देखिए लोगों को बताया उन्हें कितनी स्ट्रगल भरी जो लाइफ है लोग यहाँ पे जीते हैं मतलब हमारी मेरी सांस से फूल रही है यहाँ पे चलते चलते ओह ठीक है नरोत्तम जी हमें यहीं से देख रहे थे ये इस पॉइंट से ही जो नीचे रास्ते जा रहे हैं वहीं से उन्होंने गाड़ी देख ली तो हमें बता रहे थे सामने गांव से फिर पैदल सर जी हमें वहीं से आगे तक लेने भी आ गए थे वो हाँ जी एग्जैक्ट घूमता रोड एकदम सबसे तेज में ही चला जी जी और वाइल्ड लाइफ रेंज के अंदर ये एरिया पड़ता है जी और ये रोला ब्लॉक में आता है जो सारा एरिया पड़ता है चाहे लेफ्ट को लो चाहे राइट को लो ये सारा जो है कॉमन एरिया है जी सर बाकी जो है नेशनल पार्क का पूरा एरिया ठीक है हाँ नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये देखिए हम टॉप पे पहुंच गए हैं अब वहाँ कहाँ नीचे से आए यार अब तो दिखेगा भी नीचे गांव और आसपास
पाँच किलोमीटर पड़ जाएगा नीचे ना, ताकि गाइस 5 किलोमीटर। और सर यहाँ से नीचे से रोज अपने ऑफिस से यहाँ ऊपर तक पैदल आते थे, पैदल आना जाना सर का, सब तभी सर इतने हेल्दी हैं। और सर बर्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे नीचे बर्ड लाइफ सेंचुरी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उसमें सर ऑफिसर थे, अभी रिटायर हुए सर को, अभी साल ही हुआ है। ये देखिए फ्रेंड सामने खूबसूरत बर्फ के पहाड़, फ्रेंड्स कमेंट्स में जरूर बताना आप लोगों को कि जगह कैसी लगी, कैसे लगे आपको यहाँ के नज़ारे, और क्या आपको भी यहाँ पे आना चाहेंगे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे पहाड़ी पसंद है, मुझे ट्रैकिंग पसंद है। आप देखिए आगे आगे मेरा मन है यहाँ पे ऊंचे पहाड़ों में जाके कैंपिंग करने का, स्नो कैंपिंग करने का, बहुत सारी चीज़ें जो भी करनी है मुझे यहाँ पे। अभी दिल्ली से आए हुए हमें लगभग यहाँ पे साल हो चुका है, 1 साल में जो हमने जो है अपना होम स्टे बनाया है, मेरे वाइफ बच्चे के साथ आगे मैं सेटल हुआ हूँ, धीरे धीरे और ऊँचे जो ट्रैक्स करने हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ की जो हवा है, मतलब दिल्ली मुंबई शहरों से इतना जो पोल्यूशन है वहाँ पे, मतलब वहाँ से हट के मतलब यहाँ जन्नत है, मतलब शहरों में जो ऑक्सीजन जो आप लेते हैं साल में वो आपको यहाँ 4 दिन में मिल जाएगी, वहाँ तो पोल्यूशन है, ऑक्सीजन है ही नहीं। तो सर आप तो यहाँ आस पास सारी पहाड़ियों पे गए होंगे इधर उधर, हाँ 33 का मैं 8 फिर भी कहूँगा 1 साल बाकी है, इतनी पहली सर हुई है। जी जी नहीं ये पड़ता आपके मणिकर्ण किन्नौर बोलते उसकी भी ये पड़ता है, मतलब गुंटर से जो जाता है मणिकर्ण, हाँ सर कसोल से आगे जो पड़ रास्ता उसमें आगे परशैनी के आगे फिर आता है लखान के बाद रुद्रनाथ के बाद खीर गंगा के आगे टुंडा भुज के बाद ऊपर आया आपका पटना घाट के बाद आया पांडुपुल, ठाकुर कुआ के बाद आया पांडुपुल के बाद आया आपके मानतलाई। सर इतना आगे गए हैं वहाँ पे आप, तो मेरी ड्यूटी थी वहाँ माय गॉड, और उस टाइम मेरे को वहाँ पर 35 रुपए दिहाड़ी मिलती थी वहाँ पे 35 रुपए, और जब मैं वहाँ पर बरसैनी में होता था तो 17 रुपए दिहाड़ी मिलती थी जी। तो उस टाइम मैं 17 रुपए दिहाड़ी पे मतलब बरसैनी में और 35 रुपए दिहाड़ी में जो है ठाकुर कुआ में ड्यूटी करता था एज ए ग्रेजुएट जी। सर आगे रेंजेस तक घूमे हुए, आगे जो बर्फ के पहाड़ है आगे तो सर गए हुए हैं, और कभी हम करेंगे ऐसा सर को लेके हम आगे रेंजेस पे घूम के आएंगे और आगे जाएंगे ऊपर। अब कहाँ जा रहे हो तुम? ये रास्ता तो बहुत बेहतरीन है, सही है, किसे लूना बस में, ठीक है, नाइस। नमस्कार सर, तो फिर सुबह का प्रोग्राम होता है यहाँ गाँव में जी। और जी नमस्कार, हाँ बिल्कुल तभी तो मुझे आपने खड़ी करके रखी है ना, तभी तो मुझे खड़ी की है ना आपने। सर की उम्र ठीक ठाक होगी इनकी जी? इनकी उम्र कितनी इनकी होगी होनी, 70 अरे यहाँ के जो श्री चौरासी सिंह जी महाराज, और उसके जो है महते हैं ये, मतलब उसके कामदार हैं ये, मेरे दोस्त थे, इन्होंने आना था, इनको इनके लिए मैं पिपे खड़ी पहुँचा तब हुआ लेट, तब अब आए मेहमान आए हैं अतिथि आए हैं उनका तो आदर सत्कार करना है वो नहीं, ये दोस्त भी मेरे जरूरी है, इन्होंने मेरे पास आना था ना, तो तब इनके लिए गया मैं मतलब पहुँचा मैं दिन तक। नमस्कार सर, आप भी आए, आप
मेरे और बंदर है यहाँ। हेलो हेलो दादा बाय बाय। आस पास के गाँव से लोग इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे। नमस्कार जी भाई। हेलो लोग कैसे हैं? अच्छा जी नमस्कार जी। ये अपनी ज्योति कुमार जी। ये है मेरे बेटा बड़े वाला। नमस्कार जी। और ये बहू है छोटी। नमस्कार जी। मेरी गुड़िया छोटी सी है, 5 महीने की मेरी गुड़िया अभी। अच्छा इतनी सी है वो? इतनी सी। आओ जरा देखता हूँ फंक्शन है यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। ये देखिए फ्रेंड्स नीचे देवता है, उनकी रस्में चल रही हैं। हम थोड़ी देर के लिए ऊपर आए हैं यहाँ पे रेस्ट करने के लिए। पुराने घर कैसे बने हुए हैं यहाँ पे, ये छोटे दरवाजे होते हैं हाइट के। और ये देखिए बालकनी पूरी। कभी अपने ऐसे खाना खाया है यहाँ पे? हाँ हिमाचल में ऐसे खाना सब दिया था। ये देखिए ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू। बेहतरीन खाने के बाद हम करते हैं थोड़ा सा जो प्रोग्राम चल रहा है देवता का, वहाँ पे थोड़ा शूट करते हैं। पहले परमिशन नहीं थी कि थोड़ा पर्सनल जो पूजा करते हैं कार्यक्रम करते हैं थोड़ा वो सब चल रहा था वहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम शूट कर सकते हैं। मैंने पूछा है रोतम जी से, रोतम जी भी आगे आगे है हमारे। ये देखिए ये देवता का जो है घर है यहाँ पे। भैया आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखिए गाइस कितनी ऊंचाई पे, 8,000 फीट की ऊंचाई पे हैं अभी हम। ये देखिए और ये देवता घर है। अभी इसके बाद जो है दोबारा ये यहाँ पे आएंगे। ये देखिए ये कैसा बना रखा है, ये बिल्कुल ये देखिए दरवाजा जो है बिल्कुल छोटा सा, ये बिल्कुल झुक के निकलना पड़ता है यहाँ से। जो आके जो शांति मिली और मतलब सोचा नहीं था मतलब ऐसा माहौल मिलेगा कभी, है ना, मजा आ गया। मतलब नरोत्तम जी का बहुत धन्यवाद। अभी वो चले गए हैं, उनको कुछ काम था, वो तो जल्दी उनसे दोबारा मुलाकात होगी, उनके टच में नहीं है हमेशा हम। और नमस्कार सर। हाँ सी आप जी? सर दिल्ली से हूँ सर मैं, ना हम भी यहाँ पे शराय में हमने कॉटेज बनाया है। आपकी जगह इतनी अच्छी लगी, 1.5 साल पहले घूमने आया था मैं, यही बस गया हूँ मैं। बंजार बंजार सर।
ये बंजार से पहले शराई पड़ता सर, उससे शराई। हाँ जी नीचे। अच्छा 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 सर, इसी गांव में? नहीं सर, मैं तो प्रोहत हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, दिप्ति के प्रोहत हैं आप? अच्छा, गुशाइन से हैं आप भी? नीचे से आए हैं, बहुत बढ़िया लगा हमें। अगले साल दोबारा आएंगे हम, अगले साल फिर मिलेंगे सर, जरूर। भगवान ने चाहा तो मतलब परमात्मा बुलाया अगले साल। जी जी जी। तो फ्रेंड्स, अब जो है हम चलते हैं, निकलते हैं, टाइम हो गया है, बादल आ गए हैं चारों तरफ, ठंडा माहौल हो गया बिल्कुल। ये बिल्कुल जा चुके हैं सामने, बर्फ के बाहर ठंड बढ़ती जा रही है समय समय। जो जल्दी मिलेंगे सर दोबारा। ओके, चलिए। जैसा कि आते वक्त देखा था आप लोगों ने कितना कैसा रास्ता था, तो टाइम से नीचे उतरते हैं ताकि जो है टाइम से नीचे पहुंच जाए और गाड़ी लेके हम नीचे उतर सकें। अभी ये देखिए गाइस, इसको ना स्पेन बोलते हैं, और स्पेन का मतलब यही, जो यहाँ पे फ्रूट्स होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे रोड्स तो है नहीं, तो क्या करते हैं, देखो जो नीचे बास्केट दिख रही है आपको, इन बास्केट के थ्रू नीचे 5-6 किलोमीटर तक जो है फ्रूट्स इसी में रख के, और नीचे स्पेन से नीचे तक जाते हैं रोडों तक, और रोडों से होते हुए देखिए आप तक शहर तक पहुँचते हैं। तो अब बताइए आप, क्या फ्रूट सच में महंगी मिलते हैं नीचे? वापसी का रास्ता थोड़ा ईजी है, इसी भी मतलब थोड़ा थोड़ा ही ज़्यादा आएगी, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट है वापस जाना करना। सो गाइज, ये था ट्रैक, लोकल ट्रैक। हमें जो रोतम जी है, हमारे जो लोकल हैं यहाँ पे, उन्होंने हमें इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके मुझे, और मज़ा आ गया गाइज यहाँ पे ना। आपको भी शायद वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मतलब कितने डिसेंट लोग हैं यहाँ पे, और जो उन्होंने खातिरदारी की, उन्होंने खाना खिलाया अपने प्यार से, और देवता का जो हमने प्रोग्राम देखा, मतलब भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर फिर यहाँ पे आना होगा। और है वो आपको भी अच्छी लगी होगी ये वीडियो, आपको भी सारी जगह जो है सब कुछ अच्छा लगा होगा, आपको यहाँ पे पूरा रास्ता अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, और आपको ये जगह अगर पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक अवर वीडियो, शेयर अवर वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल दिल्ली टू वैली होम। फिर मिलेंगे जल्दी आपसे, तब तक के लिए बाय। Yeah.